नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट मनी पर। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने Google से पूछा था कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न कौन सा है, तो Google ने हमें सजेस्ट किया था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसका मैंने बैक टेस्ट करके अपलोड किया हुआ है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। और आज हम करेंगे ट्रेंड लाइन का बैक टेस्ट, तो आइए चलते हैं। इस वक्त मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है और टाइम फ्रेम 2 आवर्स का है। सबसे पहले मैं इस टाइम फ्रेम को स्विच करूंगा 1 आवर पर, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना ज़्यादा मार्केट आपको स्टेबल नज़र आएगा और डिसीज़न लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम करेंगे ट्रेंड लाइन का एक्सपेरिमेंट। तो आज हम ट्रेंड लाइन को अभी ले लेता हूँ और आप इस वक्त देखो कि आपको बहुत जगह पर दिख रहा होगा कि जैसे कि आपको ये जोन दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा होगा, आपको इसमें क्या दिखा और सबसे पहले मार्क कैसे करना है। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक रैली फेस चल रही था यहाँ पे, देन यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। देन उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जोन पे हुआ, देन इसका मतलब कि ये वाला हाई था, देन ये लो था, देन ये हाई था, देन ये लो था, देन ये हाई था, देन ये ब्रेक। ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आया, इसको टेस्ट भी किया, देन फिर से नीचे चला गया। लेकिन अभी हमें क्या देखने को एक चीज़ और मिल रही है, हमें एक चीज़ देखने को ये मिल रही है कि जैसे कि हम लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ ये इस तरीके से भी देखने को मिल रहा है। और हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो हमारे अभी 2 टेस्ट मैंने करके दिखाया आपको और ये बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट या रीस्टेट इस जोन को ये रीटेस्ट करता है इस जोन पर, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब दूसरा यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो बना हुआ है, एक हाई देन लो, एक हाई देन लो, देन हाई देन यहाँ पे। तो आपको क्या दिखा कि यहाँ से ज़्यादा जितने भी लो हैं उसको मैच करते हुए चलना है, उसको आपको मैच करते हुए चलना है। तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। और आपको क्या दिखा, रिस्पेक्ट 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 देन यहाँ से फॉल। तो अभी रिसेंट के 3 यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन का बैक टेस्ट किया और ये सही गया। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा क्योंकि ज़्यादा पीछे से जाना ये होता है कि कुछ चीज़ें पुरानी हो जाती हैं जो सही टाइम पे नहीं होती। रिसेंटली मार्केट में ये रूल चल रहा है और ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं ट्रेंड लाइन और देखते हैं इसमें क्या एनालिसिस बन रहे हैं। और जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे होंगे, ये एक हाई था, देन यहाँ से अब रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे देखो। और ये क्या होता है, यहाँ से देखो 1, 2, 3, 10, 4, या आप इसको कुछ इस तरीके से भी जोड़ सकते हो। तो आपको दिखता है कि यहाँ से रिस्पेक्ट करा और गैप अप होने के बावजूद ये यहाँ से एज अ रिवर्सल हो गया। देन क्या हुआ, देन यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बनी और देन उसके साथ भी सेम यही हुआ, सेम यही हुआ और ये फिर से ब्रेक डाउन हो गया। अभी क्या बन रहा है, अभी फिर से देखोगे आप, अभी फिर से आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ इस तरीके से बन रहा है और यहाँ से होने के बाद क्या हुआ, फिर से ब्रेक डाउन। और अब क्या होगा कि जो ये वाला हाई है और इससे इसको मैच करते हुए नीचे चलिए और इसको इस तरीके से रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पंप हो रहे हैं एरिया उनको आप मैच करते रहिए, जैसे कि ये ऐसे, देन यहाँ पे लेने सब रेजिस्टेंस को लेने की कोशिश करा रिस्पेक्ट, और यहाँ से जैसे ब्रेकआउट होगा और टेस्ट होगा तो ये ऊपर यहाँ से जा सकता है। तो अभी हमने 2 टेस्ट किए, वो सफल रहे। अब हम करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स में देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं। गाइस, मैं आपको यही बोलता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा इस्तेमाल करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी चीज़ें बैलेंस रहेंगी उतना आपको इजी रहेगा। तो अभी आप क्या देख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही है, यहाँ से देखिए ब्रेक आउट देन नीचे देन ऊपर, ये जो वाला जो
ये रिवर्सल जो एरिया है, जो जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहीं से इसने टेस्ट को लिया और देन यहीं से ये ऊपर को और रवाना हो गया। अभी आप क्या देख रहे हो कि आप नीचे से इसको जब मार्क कर रहे हो, नीचे से जब आप इसको मार्क कर रहे हो, तो ये कैसे बन रहा है कुछ? ये कुछ बन रहा है, नीचे से हम इसको मार्क कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको दिखता है कि यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क कर रहा था, यहाँ भी किया, देन ये फॉल कर गया, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट का कोई भी संकेत यहाँ में नहीं मिला, कंफर्मेशन नहीं है, और ये अभी तक उसके नीचे ही ट्रैवल कर रहा है। अभी क्या होगा कि इस वाली जोन को, इस वाले जोन से आप इसको मार्क कर लो, और हो सकता है कि जैसे यहाँ पे रिवर्सल आए ट्रेंड लाइन पे, वैसे ही यहाँ से नीचे आए और यहाँ पे कुछ संकेत मिले और फिर से थोड़ा सा ऊपर चला जाए। तो रिलायंस की, रिलायंस इंडस्ट्री पे भी हमने देखा कि ट्रेंड लाइन को वाकई में रिस्पेक्ट ये कर रहा था। देन अभी क्या देख रहे हो आप, फिर से वही हाई लो हाई लो। तो ऐसे में क्या करोगे आप, ट्रेंड लाइन को मिक्स करोगे। तो आपने क्या देखा कि बहुत सारे सिनेरियो पे, अभी मैं थोड़ा सा ड्राइंग रिमूव कर रहा हूँ, थोड़ा पैची हो रहा है, इससे इसको मैच करता हूँ, और आप क्या देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैच करोगे, और यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल टाइम यहाँ से इस वाले जोन पे ये वाला माना जाएगा, और फिर से देन उसके बाद ब्रेक डाउन, रीटेस्ट, अनबैलेंस, और यहाँ से आप क्या देखोगे, एक और ट्रेंड लाइन जो कि अभी मैंने आपको बताई थी। फिर क्या हुआ, ये कुछ चैनल के अंदर चला गया, ये कुछ इस तरीके चैनल के अंदर चला गया, और आप देखोगे जो ओपनिंग हुई मार्केट की, ओपनिंग जो इस जगह पे हुई वो फॉल हो गई, देन प्राइस फिर से इसके इसी जोन के अंदर आ गया, देन क्या हुआ, प्राइस इसी जगह पे सस्टेन करता रहा, और यहाँ से जो गैप अप था उसको एज ए सपोर्ट के रूप में काम करता रहा, और ये वाला जो एरिया है ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो मेरा अब ऐसा मानना है कि यहाँ से ही ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर से फॉल कर सकता है। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्री पे भी हमने देख लिया बैक टेस्ट, अब एक्सिस बैंक को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ भी फिक्स नहीं किया है, मैं बिल्कुल आपको लाइव कर रहा हूँ बिना किसी कट के। तो अभी एक्सिस बैंक का चार्ट हमने खोला हुआ है और देखते हैं इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है, रिसेंट की चीज़ें हम गौर करते हैं थोड़ा सा। तो अभी आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मैच की तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वन लो हाई लो लो हाई, देन इसी जगह पे ये कब से ट्रैवल करने को इसका, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर दिख गई हमें, तो इसका मतलब कि यहाँ से इसने इसको टेस्ट करा है, और हो सकता है कि अभी इस जोन पे जाए और यहाँ पे जो इसका ऑर्डर ब्लॉक है इस वाले जोन को टेस्ट करें, देन फिर से रिवर्सल यहाँ से देखने को मिले। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी वर्क कर रही है। अभी दूसरा हम देख लेते हैं कुछ दूसरा, आप अगर कुछ इस तरीके से भी इसको देखोगे तो भी ये वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है दिखाता हूँ मैं आपको, हाई लो हाई लो, इसका मतलब क्या है, ये सपोर्टिंग जोन है जिसके बाद हमने ट्रेंड लाइन को जोड़ा है। ठीक है, अब हम पीछे चलते हैं, अब आपको दिख रहा होगा फिर से कुछ दिख रहा होगा आपको, लो लो एंड लो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस वाले जोन का, ठीक है, और ये वाला जो जोन है इसको हम इस तरह रखते हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये वाला है, ठीक है, तो इस तरह मार्क करो, ये इसको हमने मिक्स करा है ऐसे, और ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट देन फॉल। पीछे थोड़ा सा चलते हैं अभी, पीछे आपको ये वाला जोन नज़र आ रहा होगा, सॉरी इसको मैं फिर से मैच कर देता हूँ, ये वाला जोन आपको नज़र आ गया होगा। तो वन टू देन यहाँ पे थ्री देन यहाँ पे ब्रेकआउट। तो गाइस बिल्कुल ट्रेंड लाइन वर्क यहाँ पे कर रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि अगर आप इंडिकेटर्स को यूज करते हो या किसी और चीज़ को यूज करते हो तो आपको
बहुत सी मुश्किलें होती हैं, लेकिन एक ट्रेडर की दिक्कत ये होती है कि जब वो ट्रेडिंग करता है तो उसको उसकी पिक्चर, एक क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आती, जिसके कारण वो बार बार फंसता है। जैसे कि यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन आप देख रहे होगे, देन ऊपर चला गया, देन क्या हुआ, ये वाला जो जोन है यहाँ से अब इसको मैच करोगे तो क्या हुआ, टेस्ट किया फिर नीचे चला गया। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है, और मैं ज़्यादा आपको हिस्टोरिकल डेटा नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको दो तीन पिछले या 2-4 महीने का ही पीछे का दिखा रहा हूँ डेटा, और उसी बीच में आपको हर चीज़ दिखा रहा हूँ। अभी ये तो हमारा हो गया इंडियन मार्केट, अब थोड़ा सा चलते हैं हम फॉरेक्स में, क्या है फॉरेक्स में काम करता है देखते हैं। फॉरेक्स में ऐसा होता है कि अगर आपको नहीं पता होगा तो SMC, ICT और ये प्राइजेक्शन, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और बहुत से तरीक़ों से ये काम करता है। तो इस वक्त यूरो यूएसडी का चार्ट है, इस पे भी आ जाओ, इस पे भी बैक टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें एक न्यूज़ आती है यहाँ पर इस जोन पे, और प्राइस इम्पल्सिव मोड में ऊपर जाता है। लेकिन जो आप देख रहे होगे, जो ये वाला कैंडल है जिसने रिजेक्शन यहाँ से नीचे ली, और ये वाले रिजेक्शन यहाँ दी, और जो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर है, तो जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ से आप ट्रेंड लाइन को मार्क करोगे, यानी कि ये कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। और आपको क्या दिखता है कि प्राइस बाहर गया, इसको रीटेस्ट करा, और ये अभी सर्वाइव कर रहा है इस जोन पर। ठीक है, पहला टेस्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा सबसे पहले पिक्चर हमारी क्लियर होनी चाहिए, जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक कुछ भी बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो लो देन लो देन लो, तो क्या करेंगे, इन तीनों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि इनको मिला दें। ये कुछ इस तरीके से है, वन, ठीक है, देन टू। तो आप क्या देख रहे हो, टेस्ट 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 देन ब्रेकडाउन, ऑर्डर ब्लॉक, और ये न्यूज़। न्यूज़ आने के बाद इम्पल्सिव मूव आता ही आता है, नो डाउट। तो अभी ट्रेंड लाइन हमने यहाँ भी देख ली, प्रीवियस के हमने बस प्रीवियस डेटा देखेंगे, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। और अब चलते हैं किसी और पे, शाओ यूएसडी को भी देख लेते हैं, लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट है शाओ यूएसडी गोल्ड। तो अभी गोल्ड पे भी एनालिसिस कर देते हैं, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को बैक टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा इस तरीके से ये चल रहा है, और यहाँ से अभी तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन आप इसको ऐसे मार्क कर लो, जब भी मूवमेंट आएगा तो हमें पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब इस विक को विक से कनेक्ट करते जाओ, क्या मिला आपको, ब्रेकआउट। आई होप गाइज आप बैक टेस्ट को एंजॉय कर रहे होगे, और चीज़ें वाकई में चलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलती है। यहाँ से रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, देन इसका मतलब क्या है, रिजेक्शन मतलब एक ट्रेंड लाइन बनाओ, और यहाँ से ब्रेकआउट। तो गाइज ट्रेंड लाइन वाकई में काम करती है, और वाकई में अच्छा रिवॉर्ड भी देती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि गोल्ड काफ़ी साल भर से 17% का रिटर्न दे चुका है। तो अभी क्रिप्टो भी देख लेते हैं, क्रिप्टो में वर्क करता है कि नहीं। गाइज यहाँ पे मैंने पहले से कुछ भी डिफाइन नहीं करा है, मैं बिल्कुल आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, जो भी कुछ करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, फिर उसके बाद आगे आएंगे। तो अभी क्या होगा, ये देखो, अगर आपको ड्राइंग एडिट करने में दिक्कत हो रही है तो आप लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें क्या होता है बॉडी सिर्फ कैप्चर होती है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ब्रेकआउट, लाइन चार्ट से अगर मैच करोगे तो ब्रेकआउट, लेकिन अब पूरी बॉडी देख रहे हो तो वो अलग बात है। ठीक है, दूसरा क्या, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, तो क्या होगा, बार बार रिजेक्शन मिल रही है तो ट्रेंड लाइन बना लो, ऐसे ट्रेंड लाइन बना लो कुछ, क्या हुआ, ट्रेंड लाइन बाहर गई, रीटेस्ट हुआ। आपको आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा, एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा आपको, जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा इन्वर्टेड हैमर, देन उसके बाद प्राइस राइज हो गया। ठीक है,
तो ट्रेंड लाइन एक्चुअल में होता क्या है, आइए अब हम इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिजल्ट देखने के बाद कोई फैसला ले सको। ट्रेंड लाइन एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी चीज़ या तो इस तरीके से जाएगी या इस तरीके से नीचे उतरेगी या इस तरीके से एक ही जगह पर ट्रैवल करेगी। आई एम राइट? तो होता क्या है, मार्केट में तीन ही ट्रेंड होते हैं, ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया डाउन ट्रेंड, ये हो गया साइडवेज। साइडवेज यानी कि ये बस ऐसे ही ट्रैवल करता रहेगा एक ही एरिया के अंदर, उसी में बाइंग और सेलिंग होती रहेगी। तो क्या पता चला हमें कि मार्केट में तीन ही ट्रेंड होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक हाई देन उसके हाई। इसका मतलब क्या, अप ट्रेंड हाई लो, ठीक है, सॉरी गलती से कर दिया मैंने, लो एंड हाई, ठीक है। देन उसके बाद इसका मतलब क्या है, ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। मार्केट में खाली तीन ही ट्रेंड होते हैं जिसको हम ट्रेंड लाइन के द्वारा पता कर सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। तो आई होप गाइस आपको मेरा बैक टेस्ट बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट करें प्यारा सा, और मुझे बताएं नेक्स्ट टॉपिक पे आपको क्या चाहिए, मैं वो भी बना के आपको दूंगा। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, धन्यवाद।